हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर द सीएफए लेवल वन, जिसका रिजल्ट्स लास्ट वीक आया था। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इफ़ यू हैव क्लियर योर लेवल वन, व्हाट आर दी नेक्स्ट स्टेप्स विच यू हैव टू टेक, एंड इवन इफ यू नॉट क्लियर योर L1 आपको क्या करना चाहिए। सो डू वॉच द वीडियो टिल दी वेरी एंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि लेवल वन तो हो गया, अभी लेवल टू कभी देना चाहिए, मई में देना चाहिए, अगस्त में देना चाहिए कि नवंबर में देना चाहिए। तो इसको सॉर्ट करने के लिए ना, सबसे पहले तो मैं तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, सेकेंड वो जिनका ग्रेजुएशन हुआ है एंड वो लोग अभी करेंटली दे आर नॉट वर्किंग, थर्ड वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को कैटर करते हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप मई 2023 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आप तब तक ग्रेजुएट हुए नहीं रहेंगे। तो आपके लिए जो ऑब्वियस चॉइस बचता है वो अगस्त 2023 या नवंबर 2023 है, जहाँ पे आपको 10 मंथ्स या 10 मंथ से भी ज़्यादा मिलता है, विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। तो वॉट आई विल रिकमेंड इज, ये 10 मंथ्स आप सिर्फ CFA लेवल 2 के लिए मत डालो। What you can do instead is, आप financial modeling and internship ये दोनों भी कर सकते हो, ताकि आपका job के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रहेगा। तो financial modeling जहाँ से भी आप कर रहे हो, वो पहले देखो कि आप जो course कर रहे हो वो कितना in-depth है। Secondly, जो भी concepts आप CFA में सीख रहे हो, आपको कितना practically उसको apply करने को सिखाते हैं financial modeling में। तो what I'll do is, मैं आपको एक link यहाँ पे डाल दूँगा, आप वो रेफर कीजिए, आप देखिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडलिंग। सेकंड, अभी हम लोग दूसरे ब्रैकेट पे जाते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है लेकिन करंटली दे आर नॉट वर्किंग। तो व्हाट आई विल रिकमेंड इज, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मई 2023 दे सकते हो, इज बिकॉज अभी आपका ऑलरेडी यू आर नॉट वर्किंग, तो आपके पास ईजिली ज़्यादा टाइम रहेगा एवरी डे पढ़ने के लिए एंड आप नेक्स्ट 7 मंथ्स में ईजिली क्लियर कर सकते हो CFA लेवल 2। बट अगर आप वो थॉट से आ रहे हो कि नहीं अभी मुझे जॉब करना है फॉर एनी रीजन, मे बी आपको फाइनेंशियल क्रंच है, तो अगेन व्हाट आई विल रिकमेंड इज आप इंटर्नशिप करिए रादर देन एक्चुअल फुल टाइम जॉब स्टार्ट के लिए। इज बिकॉज अगर आप फुल टाइम जॉब अभी ढूंढोगे तो अभी आपको मिलने के लिए भी 1-2 महीना जाएगा एंड उसके बाद टू गेट अकस्टम टू दैट जॉब ऑल्सो आपको 1-2 महीना ईजिली चला जाएगा। दैट मीन्स आपका 4 मंथ्स तो इसमें चला जाएगा एंड फिर आप, क्योंकि आपका फर्स्ट जॉब रहेगा, आपको ये नहीं पता रहेगा कि कितना आवर्स आपको एक्चुअली उसमें काम करना है, तो यू वोंट बी वेरी श्योर कि आप कितना टाइम एक्चुअली डेडिकेटेडली कर पाओगे मे के लिए। तो माय पर्सनल सजेशन वुड बी, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इट इज़ परफेक्टली फाइन, अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हो एंड आप यू आर नॉट वर्किंग, मेक श्योर कि आप नेक्स्ट 7 मंथ्स में यू क्लियर योर लेवल 2। अभी हम लोग कैटर करते थर्ड ब्रैकेट को, विच इज़ बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स। अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स को सिर्फ एक चीज़ पहले सोचना है कि क्या वो एवरीडे कंफर्टेबली 2.5 to 3.5 hours डेली डाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप कंफर्टेबली डाल सकते हो देन गो फॉर मई 2023, इफ नॉट गो फॉर अगस्त या तो नवंबर वाला एग्जाम। इट इज़ परफेक्टली फाइन अगर आप 2-3 महीने से डिले करते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मेक श्योर कि अगर आप अगस्त या नवंबर कर रहे हो तो आप साथ में फाइनेंशियल मॉडलिंग भी करो, इस बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अभी जो आपका जॉब रहेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अभी जो जॉब रहेगा वो एग्जैक्ट कोर फाइनेंस में नहीं होगा मोस्टली। अगर है तो सुपर, अगर नहीं है तो लेवल 2 प्लस फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको कैटापुल कर सकता है एक प्रॉपर कोर फाइनेंस जॉब में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप डिसाइड करते हो कि L1 के बाद मुझे जॉब ढूंढना है, तो आप हाउ टू गो अबाउट इट, सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि मैंने 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाई की, उसमें कौन सा सब्जेक्ट्स एक्चुअली आपको इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में उसका पूरा जो कंसेप्ट है वो पहले रिवाइज करो एंड ना सिंपल गूगल सर्च करो कि वो कंसेप्ट जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिक्स्ड इनकम कर रहे हो तो फिक्स्ड इनकम में कंसेप्ट्स लाइक ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी, ये सब आप प्रैक्टिकली कैसे एक्सेल पे कर सकते हो, ये आप गूगल भी कर सकते हो, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सिमिलरली, अगर आपको इक्विटी रिसर्च में अगर एंटर करना है वो फील्ड में, तो आप कंसेप्ट्स देख सकते हो इक्विटी एंड FSA का, तो वहाँ पे अगर आपको समझेगा कि CAPM जो होता है, बीटा जो होता है, वो एक्चुअली कैसे हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। व्हाट आई विल डू इज, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप वो भी चेक कीजिएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि जॉब अगर करना भी है तो व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली गेट इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड।
अभी फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर देयर लेवल वन, तो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, आपको आपका रिजल्ट है ना गेज करना है. आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो मिनिमम पासिंग स्कोर जो होता है MPS जो होता है उससे कितना नीचे है. अगर सिर्फ थोड़ा सा नीचे है तो देखो कि कौन सा सब्जेक्ट्स में आप वीक हो एंड उस पर आप वर्क करो. तो अगर वैसा सिचुएशन रहेगा तो व्हाट आई रिकमेंड इज आप फेब्रुअरी या तो मई वाला एग्जाम करो, आपका क्लियर हो जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली. बट अगर आपका मार्क्स MPS से काफ़ी नीचे है तो आपको देखना है कि ये क्यों हुआ है. तो उसका पॉसिबल रीजन्स दो तीन ही हो सकते हैं. सबसे पहला ये कि आपने पढ़ाई नहीं किया. सेकेंड ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई किया, आपको मे बी कंसेप्ट भी समझा, बट आपने सिर्फ और सिर्फ मे बी कैपलन श्वेजर वही पढ़ा. आपने करिकुलम के क्वेश्चंस, आपने CFA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, CFA के जो मॉक्स होते वो आपने किया ही नहीं. तो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है. तो देखिए मे बी ये भी रीज़न हो सकता है. थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा. मे बी क्योंकि आपने खुद से पढ़ाई किया होगा या तो आपने क्लास लगाया होगा, बट मे बी वहाँ पे फोकस रहेगा कि बाय हार्टिंग पे फोकस रहेगा. तो अगर वैसा सिचुएशन है, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि अगर आपको CFA एस करना है प्रॉपरली एंड उसको जॉब में भी अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करना है, दी ओनली वे पॉसिबल इज यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट वेरी वेल. तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. तो अगर वैसा सिचुएशन रहेगा तो वॉट यू कैन डू इज मेरे डेमो लेक्चर्स आप एक बार देख सकते हो CFA के, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो कंसेप्ट आपको पता था क्या वो वैसे का वैसा मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपको एक्चुअली कंसेप्ट एनहेंस हो रहा है. तो डू वॉच द वीडियोज एंड देन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको क्या करना है. इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो वॉट यू कैन डू इज आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो, आई एल रिवर्ट बैक. और एल्स वॉट आई एल डू इज मैं मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, तो यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, तो आई एल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट बैक. So all the very best for your level 2 and for people who have not cleared their level 1, don't be disheartened. Just remember one thing ki jaisa CA mein hota hai ki aap first attempt clear ho to aapka salary zyada hota hai, CFA mein waisa nahi hota hai. It is very important for you to understand ki practically aapko apply karne ko aata hai. That is what the employer wants.